और मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल है यार। होप कि आप सब बढ़िया होंगे। एंड आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले अपने स्पाइडरमैन वेब शूटर के जो भी चेंजेस हुआ है, ये चेंजेस क्यों हुआ है आपके गेम के अंदर, वो इस वीडियो में मैं आपको कवर करने वाला हूँ। मतलब यहाँ पे आपका जो भी वेब शूटर चेंज हुआ है, 7 सेकंड का जो भी आपका टाइमिंग आता है, ये टाइमिंग इन्होंने गेम के अंदर ऐड क्यों की है, वो मैं आपको यहाँ पे मेनली इसके मैं आपको 3 या 4 रीज़न बताने वाला हूँ। तो मैं आपको पर्टिकुलर कोई भी एक रीज़न नहीं बता सकता मेन रीज़न क्या है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बहुत सारे ऐसे रीजन्स है जो कि आपको बताने वाला हूँ, एंड जो कि 100% इसके पीछे इनका हाथ है कि यहाँ पे इन्होंने इसको चेंज कर दिया। एंड ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि गेम के मोड्स के साथ छेड़छाड़ किया गया है बीजीएमआई की तरफ से। इन्होंने ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे मोड्स आए हैं हमारे गेम के अंदर जो कि इन्होंने चेंजेस कर दिए हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे इन्होंने किया था जो कि था हमारा, मतलब जो भी अपना एक आया था गुडजिला वर्सेस कोंग, तो गुडजिला एंड कोंग का जो ग्रेनेड होता था, वो ग्रेनेड भाई आप कहीं पर भी यूज कर सकते थे ऑलमोस्ट। वो एक मतलब अपना एक न्यू ग्रेनेड आने वाला था, कोई बॉम्ब आने वाला था, दीवार में आप चिपका देते थे, मतलब 2-3 फ्लोर तक अगर आप अपार्टमेंट के नीचे लगा देते हो तो अपार्टमेंट के ऊपर वाला बंदा भी नोक हो जाएगा। ऐसा कुछ यहाँ पे हमारे गेम के अंदर एक न्यू ग्रेनेड आने वाला है 1.9 या फिर 2.0 अपडेट में आ जाएगा, ये फिक्स से कंफर्म है, लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। एंड सेम यही चीज़ हुआ था पहले गेम के अंदर जब गुडजिला वर्सेस कोंग मोड आया था, तो वहाँ पे ये लोग हमको ग्रेनेड दिया करते थे। गुडजिला के पीछे पीछे आप जाओगे तो वहाँ पे आपको ग्रेनेड मिलता था, कोंग के पीछे जाओगे तो आई थिंक आपको उड़ने वाली शक्ति मिलती थी, मतलब स्पीड आप भाग सकते थे। तो इन्होंने ग्रेनेड की डैमेज भी कम कर दी थी एंड स्पीड भी कम कर दिया था। मतलब कोंग का जो आप रनिंग स्पीड है, वहाँ पे बंदे मतलब एकदम हैकर की तरह बहुत ही ऊपर जंप करते थे, तो वो उसको भी कम कर दिया गया। एंड उसके साथ साथ जो ग्रेनेड का डैमेज था, अगर आप किसी कवर के पीछे हो, कोई भी पत्थर है, मतलब बहुत ही बड़ा पत्थर है, फिर भी आप लोग पत्थर के पीछे नोक हो जाते हो। एंड यहाँ पे अगर रियल में गेम के अंदर देखा जाए तो आप ग्रेनेड से नोक नहीं हो सकते अगर आप किसी कवर में हो, पत्थर के कवर में, चाहे छोटा सा भी ऑब्जेक्ट होगा, एक टायर भी पड़ा होगा आपके सामने, फिर भी आप नोक नहीं हो गए अगर आपके सामने ग्रेनेड गिरता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने इसका डैमेज रेडियस था वो भी यहाँ पे घटा दिया था। तो अभी यहाँ पे सेम ऐसा यहाँ पे इन्होंने भी किया है अपने क्राफ्टों, जो भी यहाँ पे इन्होंने अपना जो गेम भाई एकदम बेकार कर दिया। मतलब भाई एक तो पहली बात तो यहाँ पे बहुत से बंदे यहाँ पे उदास है, तो मैंने मॉर्निंग में ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोग को बताया था कि मतलब ये वेब शूटर क्यों इन्होंने चेंज किया है। तो वहाँ पे मेरे को पता नहीं था, तो लोग कमेंट कर रहे थे भाई वेब शूटर के साथ ग्लिच हो रहा है, तो देखो यार ग्लिच नहीं हो रहा है यहाँ पे इन्होंने, तो यहाँ पे ये एक सेकंड ये वेब शूटर की लोकेशन बता रहा है, ये देख सकते हो, मतलब 5 MB के अपडेट में भाई साहब ये वेब शूटर की लोकेशन बता रहा है। मतलब भाई लोगों को पता नहीं थी वेब शूटर, तो लोग यूट्यूब पर सर्च कर करके परेशान हो गए थे। तो मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए इसे समझा दिया, बाकी मुझे भी नहीं पता था 5 MB के अपडेट में क्या है, अभी तो पता चल गया तो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे अभी मैं आपको बताता हूँ इनका रीज़न क्या है। तो सबसे पहला रीज़न वो है यूट्यूबर्स। मतलब आप बोलोगे भाई यूट्यूबर का इनमें क्या हाथ है, तो मेन वो यूट्यूबर्स है जो टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ग्लिचेस बताते हैं। एंड इसमें मैं किसी को गलती नहीं मानता, कोई भी किसी भी यूट्यूबर की इसमें कोई गलती नहीं, उनका काम है भाई, हर एक बंदे का अपना अलग अलग कंटेंट। तो वहाँ पे वो बंदे भाई आपको ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताते थे, मतलब पूरा नेक्स्ट लेवल का। तो सबसे पहला जो अपना ट्रिक होता था, ये मैं आपको मिल्टा पावर दिखा देता हूँ, ये देख रहो ये मिल्टा पावर, एक सेकंड, ये जो मिल्टा पावर की आप मेन चिमनी देख रहे हो, ये फर्स्ट वाली जो सबसे बड़ी चिमनी मानी जाती है एंड सबसे हाईएस्ट लोकेशन मानी जाती है, ये इससे भी हाईएस्ट, ये छोटा वाला टावर है इससे भी, मतलब पूरे एंगल का सबसे हाईएस्ट प्लेस आपका यही है। तो यहाँ पे मतलब भाई यहाँ पे बंदे क्लाइंब कर सकते थे अपने स्पाइडर पावर के जरिए। तो यहाँ पे स्पाइडर पावर लोग कंटिन्यू यूज करते हुए यहाँ पे क्लाइंब कर सकते थे लाइक दिस, ऐसे यूज करो फिर अगेन, फिर यहाँ पे मारो स्पाइडर, फिर यहाँ पे मारो स्पाइडर, फिर यहाँ पे मारो, तो कंटिन्यू बंदे यूज करते हुए मतलब पूरे मिल्टा पावर की चिमनी के ऊपर चले जाते थे। एंड मैं खुद वहाँ पे ऑलमोस्ट 2 से 3 बार जा चुका हूँ यही चीज़ करने के लिए, एंड यही देखते हुए पबजी मोबाइल BGMI ने इसको हटा दिया। मतलब बंदे कुछ भी कर सकते थे भाई, कुछ भी नामुमकिन चीज़, मतलब नामुमकिन चीज़ भी कोई होता है या फिर गेम के अंदर या फिर रियल लाइफ के अंदर, लेकिन वो चीज़ यहाँ पे गेम के अंदर से हटा दिया गया था। मतलब नामुमकिन कुछ भी नहीं था गेम के अंदर, जो भी था यहाँ पे, मतलब ये जो हमारा मिल्टा पावर था या फिर अदर प्लेसेस कोई भी प्लेस हो, आप उसको एकदम ईजी क्लाइम कर सकते। आई थिंक यहाँ पे कोई एनिमी है तो जाने दो, उसको इग्नोर करते। तो मैं माइक, ओनली माइक यूज कर रहा हूँ तो मेरे को साउंड नहीं आ रहा है, एनिमी एक बोट है मैं नहीं समझ सकता, तो वही रीज़न है। एंड उसके अलावा तो बाकी मैंने आपको एक रीज़न बता दिया। एंड एक रीज़न और बता देता हूँ जो कि यूट्यूबर ग्लिच व्लिच है, एंड यहाँ पे एक रीज़न और था वो भी एक सेकंड में आपको बता देता हूँ। पहले किसी हाईएस्ट प्लेस में चले जाते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ वो रीज़न क्या था। तो वो है फ्लाइंग ग्लिच। मतलब फ्लाइंग ग्लिच आप इसका नाम सुन के समझ गए होंगे फ्लाइंग ग्लिच में किसकी बात कर रहा हूँ। वेब शूटर लो एंड अपने टीममेट को मारो एंड आपका टीममेट हवा में उड़ने लग जाएगा। कोई इस ग्लिच के बारे में नहीं पता था, आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हो भाई, मतलब आपको यहाँ पे फ्लाइंग ग्लिच कैसे किया जाता है। तो फिलहाल अभी आप नहीं कर सकते, जहाँ तक मुझे पता है 5 MB के अपडेट में इसको फिक्स कर दिया गया, 100% इसको फिक्स कर दिया गया। मैंने ट्राई नहीं किया बट मैं बोल सकता हूँ कि 100% इसको फिक्स कर दिया गया। बंदे यहाँ पे ऐसे खड़े जाते थे मतलब किसी भी हाई प्लेस पे लगभग अपार्टमेंट पे, एंड यहाँ पे से आप कंटिन्यू जंप स्पैम करोगे एंड आपका टीममेट यहाँ से नीचे से जाली
जाली मारेगा फिचिक फिचिक करके जो भी है, तो जो भी साउंड है वो आपको यहाँ पे जाली मारेगा एंड आप एकदम हवे में ऐसे उड़ते 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 ये आसमान क्यों चाहिए, मतलब भाई कंटिन्यू आप पूरा इरेंगल कहीं पे भी घूम सकते थे, मतलब आप एक ही लोकेशन सीधा आप उड़ते चले जाओगे, आपको कोई भी नहीं मार सकता था, यहाँ पे कोई बंदा आ गया अगेन तो आई डोंट नो, ये शायद बोट है मेरे पीछे पड़ा हुआ, मैं फिर से भागता हूँ यहाँ से। तो मतलब आप ये ग्लिच भी बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई एंड फर्स्ट वाला भी जो मैंने आपको बताया तो कुछ चाइनीज प्लेयर से या फिर बोल सकते हो कुछ चाइनीज टिप्स एंड ट्रिक्स मेकर है जो कि ये सारे ट्रिक्स बताते हैं एंड उनकी भी कोई गलती नहीं भाई, गेम के टिप्स एंड ट्रिक्स एंड यहाँ पे ग्लिचेस बताना जरूरी होता है जो कि रैंक पुशर एंड यहाँ पे मतलब ग्लिच तो वो दूसरी बात है लेकिन टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि रैंक पुशर के लिए बहुत ही ज़्यादा काम आती है। तो अगर आप एक रैंक पुशर थे तो आप यहाँ पे मिल्टा पावर की इस चिमनी पे चढ़ के बैठ सकते थे जब तक यहाँ पे आपका जोन नहीं आता है, मतलब जोन जब तक आपका वहाँ पे नहीं बनता, जब तक मतलब नहीं बनेगा तब तक आप वहाँ पे छुप कर रैंक पुश कर सकते थे। तो ये चीज़ यहाँ पे मैंने आपको दो रीज़न बता दिए, फर्स्ट तो यहाँ पे वो आपका मिल्टा का वो है एंड यहाँ पे आपका जो सेकंड था ये बंदे हवे में उड़ा देते थे अपने टीममेट को एंड यहाँ पे बहुत ही गंदा चीज़ किया गया है, इन्होंने जो टाइमिंग वो भाई 7 सेकंड कर दिया है, ये बहुत ही गलत है। मैं आपको बता दूँ अगर इनको टाइमिंग लगाना ही था, मतलब इसको कूल डाउन रखना था, कूल डाउन सिस्टम करना ही था तो इसको 3 सेकंड करना था मैक्सिमम 3 सेकंड, इससे ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं करना था। किसी लिए रिन्यू पावर मोड आया है, ऐसे बहुत सारे मोड्स आए हैं जिनके अंदर ऐसे स्पेशल एबिलिटीज़ मिलती हैं एंड 3 सेकंड मैक्सिमम होता है, मतलब 3 सेकंड भाई काम की चीज़ है, 3 सेकंड चलता है। यहाँ पे अगर आपको पता हो आपने रिन्यू पावर मोड खेला हो, कूल डाउन सिस्टम दिया गया है, मतलब 3 सेकंड बाद आप सेकंड अपना आइस वॉल क्रिएट कर सकते थे। तो यहाँ पे भाई वही चीज़ यहाँ पे भी फॉलो करनी चाहिए थी, 3 सेकंड बहुत था, नहीं तो भाई इनको करना ही नहीं चाहिए था, लेकिन उन्होंने 3 सेकंड से हटा के भाई सीधा 7 सेकंड कर दिया जो कि बहुत ही घटिया अपडेट है। एंड यहाँ पे देखो एक चीज़ और है, यहाँ पे इन्होंने जब इसको किया है तो इनको सबसे पहली गलती ये है कि ये जो आपका वेब शूटर है यहाँ पे जो इनको ऐड करना था, तो यहाँ पे भाई जब इनको ऐड ही करना था इस चीज़ को गेम के अंदर तो यहाँ पे इन्होंने पहले से ही क्यों नहीं चेंज किया। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये लोग सबसे पहले मैं आपको बताऊँ तो ये लोग अपने ग्लोबल वर्जन के अंदर BGMI एंड PUBG मोबाइल के अंदर ऐड करने से पहले ये लोग ऑलमोस्ट 1.5 महीने पहले, तो 1.5 महीने पहले आपको PUBG बीटा वर्जन के अंदर रिवील कर देते। PUBG बीटा वर्जन के अंदर आप लोग को पता चल जाता है कि मतलब ये मोड आने वाला ऐसा ऐसा, वो लोग इसलिए करते ताकि प्लेयर्स का मतलब वो देख सके भाई प्लेयर का जो भी है मतलब रिव्यू कर सके कि भाई मोड कैसा है कैसा चल रहा है, तो इनको पहले से ये सब करके देखना चाहिए भाई ये मतलब गेम को बिगाड़ सकता है ऐसा है वैसा है, जो भी यहाँ पे इनको सोचना समझना था सब कुछ पहले करना था, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, डायरेक्टली बस गेम को लॉन्च कर दिया एंड यहाँ पे फाइनली मतलब सॉरी गेम बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे फाइनली इन्होंने मतलब मोड को लॉन्च कर दिया एंड मोड में यहाँ पे लोग इसका गलत यूज करने लगे एंड इसी को देखते हुए यहाँ पे इन्होंने सब कुछ चेंज कर दिया। लोग यहाँ पे भाई हवे में उड़ने लगे, इरेंगल के ग्लिचेस यूज करने लगे, मतलब बहुत तगड़े तगड़े ग्लिचेस, जैसे कि सबसे मेन एंड सबसे खतरनाक ग्लिच बताओ तो भाई वो अपना स्पाइडरमैन का उड़ने वाला ग्लिच था, मतलब जाली फेंक दो एंड आपका टीममेट एकदम हवे में उड़ जाएगा। आप चाहो तो यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हो, फेसबुक पे जहां पे चाहो वहां पे आपको वो वीडियो मिल जाएगी फ्लाइंग ग्लिच विथ स्पाइडर वेब शूटर जो भी होगा, तो आप लोग वो देख सकते हो। तो यहां पे मैंने आपको बता दिया ये सारे रीजंस थे, कुछ टॉपिक्स थे एंड यहां पे जब इनको करना ही था भाई पहले से ही ये करके देते हो तो बंदों को कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन उन्हें भाई पहले भाई अनलिमिटेड टाइम कर दिया था, मतलब अनलिमिटेड आप कितना भी चाहो यूज करो एंड अभी ये लिमिटेड कर दिया भाई आप 7 सेकंड के बाद ही यूज कर सकते हो, तो बंदे बहुत ही मतलब यहां पे गुस्से हो गए एंड यहां पे बहुत से लोगों ने मोड भी खेलना छोड़ दिया, तो पर्सनली मुझे भी थोड़ा बहुत खराब लगा, लेकिन ये एक गेम बैलेंस के हिसाब से थोड़ा हद तक सही है। लेकिन मैं बोलूँ तो भाई जब एक पर्टिकुलर मोड था यहाँ पे 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए जो भी मोड आया है इसके अंदर ये चेंजेस नहीं करना चाहिए थे, मतलब भाई इनको बदलना ही नहीं चाहिए था, जो था सब ठीक था। तो बस भाई लोग आज की वीडियो में बस मैं आपको यही कुछ रीजंस बताना चाहता था कि भाई वेब शूटर का जो भी चेंजेस हुआ है वो क्यों हुआ है। यहाँ पे मेन रीजन तो यही है अपने ग्लिचेस एंड ट्रिक्स जो भी थे, मतलब मोस्ट वायरल ये सब, मतलब जो ये गेम को एकदम नेक्स्ट लेवल पे लेकर जा रहे थे, मतलब गेम को बर्बाद कर रहे थे, हैकर वाली फीलिंग आती थी, लोग हवे में उड़ते थे एंड यहाँ पे कंटिन्यू मतलब भाई ब्रिज के आप इस साइड हो डायरेक्टली यहाँ पे ब्रिज के नीचे से जाली मार के उस साइड चले जाते थे, लेकिन ये एक हिसाब से सही था, रियल स्पाइडरमैन वही होता था। मतलब इसका मैं बोलूँ तो भाई ये स्पाइडरमैन मोड रखा ही क्यों गया, आप भी सही बोल सकते हो, मैं जो बोल रहा हूँ वो बातें सही है गलत है आप कमेंट करके बता सकते हो। तो स्पाइडरमैन मोड रखा गया तो भाई स्पाइडरमैन यहाँ पे रियल में जो आप मूवी देखे होगा फिर आपने मुझे पता है भाई स्पाइडरमैन तो आपने देखा होगा, तो यहाँ पे भाई इनको कूल डाउन सिस्टम ऐड नहीं करना चाहिए था, मेरे हिसाब से नहीं ऐड करना चाहिए था, गेम है गेम के अंदर मोड डाला गया है एंड वो भी स्पाइडरमैन मोड को डाला गया है, तो भाई स्पाइडरमैन जब यहाँ पे रियल में यहाँ पे जब कूल डाउन नहीं होता तो आप इसको कूल डाउन कैसे कर सकते हो। एंड हो सकता है भाई वेब शूटर है तो भाई इनका वेब शूटर खराब हो गया अपडेट के चलते हुए, तो ये हो सकता है भाई इन्होंने कुछ कर दिया होगा, बाकी मैं कुछ नहीं बता सकता। बाकी ये जो कि मैंने आपको बताया थोड़े बहुत ये ग्लिचेस व्लिचेस वायरल ये सब इसके पीछे रीजन है, थोड़े बहुत रीजन है, बाकी कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं बोल सकते। एंड इन्होंने गेम बैलेंसिंग के चलते हुए कर दिया, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि गुरजिला वर्सेस कोंग के चलते हुए भी ये चीज़ हुआ था ऑलरेडी। तो बस आज की वीडियो में इतना था, होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना एंड ख्याल रखना यार अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली का। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड